ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का हेलोवीन फोटो कॉन्सेप्ट। तो गाइस ये मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के लिए यार आप लोगों का मेरे को डीएम आता है इंस्टाग्राम पे कि भाई हमें तोगिर भाई का ये वाले कॉन्सेप्ट का मतलब एडिटिंग चाहिए, पूरा ट्यूटोरियल की स्टेप बाय स्टेप की कैसे एडिट किया है। तो गाइस मैं उसी के ऊपर आज आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं। तो गाइस आप लोगों की इतनी डिमांड पे यार मैं वीडियोस बनाता हूं, तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देखो। और अगर चैनल पर नए हो आप में से कोई भी भाई तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड भाई जितने भी इस बैकग्राउंड पीएनजी से मैं यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट में आपको सभी का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे कि आपको हमेशा मिल जाता है। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करके एंड वहाँ से आप बैकग्राउंड पीएनजी डाउनलोड कर लेना। बाकी का जो भी प्रोसेस आगे का जो भी वीडियो में सब कुछ मैं आपको वीडियो बता दूंगा, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइज आप सभी को सबसे पहले करने का गाइज आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को मैं दे दूंगा। देन गाइज जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से लेना आप सभी को मॉडल, ठीक है? तो गाइज मॉडल का पीएनजी ले लेना आपको सिंपली। एंड गाइज कहीं आपको बैठ के किसी चेयर वेयर पर बैठ के मतलब कि किसी पत्थर वत्थर या स्टोन के ऊपर जो बड़ा सा होता है उसके ऊपर बैठ के आपको फोटो क्लिक करवा लेना। देन गाइज आपको फुल स्क्रीन करके ऐसे कुछ आपको इस बैकग्राउंड में ऐड कर देना है। देन उसके बाद जाना आपको ऐड फोटो में। एंड गाइज यहाँ से आप सभी को ऐड करना है एक और पीएनजी वाला, ठीक है? तो इस पहले हम इसको स्मोक के पीएनजी को लेते हैं। एंड इसको गाइस आपको कैसे ऐड करना है, आपको सिंपली इसका फुल स्क्रीन करना है। एंड फुल स्क्रीन करने के बाद गाइस आपको जाना है यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ब्लेंडिंग मोड, आपको उसका स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे आपको साइड में टैप करके आप जाना है दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है ये वाला ब्लर वाला पीएनजी। एंड इसको ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, आपको गाइस सिंपली आप इसको कुछ इस टाइप से साइज रखना है। एंड इसको आपको गाइस ले जाना है नीचे की तरफ। एंड गाइस उसके बाद आपको जैसे टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करके इसको मूव डाउन कर देना है। एंड गाइस इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे दोबारा से ऐड फोटो पे क्लिक करना है। एंड जैसे कि हम दोबारा ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को ऐड करना है दूसरे वाला पीएनजी है हेलोवीन का, ठीक है? तो आपको वाला पीएनजी ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको फुल स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको इसको मूव डाउन कर देना है। ओके सो इतना परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, अब गाइस जाना है आपको दोबारा ऐड फोटो में। दोबारा ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को क्या ऐड करना है, पहले हम ऐड फोटो में चलते हैं। एंड गाइस यहाँ से आपको ऐड करना है ये वाला पीएनजी, ठीक है? जो आपको अपने आईस के ऊपर लगाना है। यहाँ पे क्या करना है आप सभी को, यहाँ पे क्या करना है आपको इसको ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको उसको फटाफट आपको अपनी आई के ऊपर लगाना है। एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपकी क्या बारी आती है, अब आप सभी को गाइस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें डोजन बन करना अपने कपड़ों के ऊपर। तो उसके लिए करना हम जाएंगे टूल्स में, यहाँ पे जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे जो आप सभी को ब्राइटनेस जो इसकी आपको ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस रिजर टूल पर जाकर आपको सिंपली यहाँ पे पूरी बॉडी के ऊपर डोजन बन करना है, आपको साइज और ओपेसिटी अपने हिसाब से रख लेना है। एंड फटाफट से यहाँ पे डोजन बन कर लेना है। सो गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर यह करना है जहाँ पे सिंपली आपको डाउनलोड वाला पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे अपनी फोटो को। एंड गाइस इसको ऐड करना है आपको लाइटरूम ऐप पे। लाइटरूम ऐप में ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे गाइस आप सभी को दिख रहा होगा लाइट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है। एंड गाइस जो इसका हाईलाइट होगा गाइस आपको इसको थोड़ा सा कम कर देना है। जो शेडो है गाइस इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे मिलेगा व्हाइट गाइस, आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। जो गाइस ब्लैक है गाइस इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको गाइस यहाँ से जाना है, आपको इसमें सिलेक्टेड टूल में आपको प्लस पर क्लिक करना है, आपको थर्ड वाला ऑप्शन लेना है। एंड गाइस नीचे की तरफ में थोड़ी डार्कनेस डालनी है तो आपको नीचे की तरफ से वो लेकर आना है। एंड गाइस लाइट वाला ऑप्शन में जाकर आपको इसका जो ब्लेंडिंग जो इसका ब्राइटनेस इसको यहाँ पे आपको कम कर देना है एक्सपोजर को, एंड यहाँ पे कम कर देना है। एंड इतना करने के बाद आपसे वो फिर यहाँ पे डन कर देना है। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना है ऐसे सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन में, फिर आपको जाना मिक्स में। एंड उसके बाद आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है, ठीक है? इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप सभी को जाना है यहाँ से ब्लू कलर में, आपको इसका ह्यू जो है आप चेंज कर सकते हो, आप स्काई ब्लू डार्क ब्लू दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। फिर आपको थोड़ा सैचुरेशन बढ़ा देना है। एंड गाइस जाना पर्पल कलर में। एंड गाइस यहाँ पे पर्पल कलर तो है नहीं हमारी फोटो में, बट गाइस हम इसका सैचुरेशन फिर भी माइनस करेंगे। एंड गाइस जाएंगे हम पिंक कलर में, इसका सैचुरेशन भी माइनस कर देंगे एंड थोड़ा सा, एंड उसको डन कर देंगे। फिर गाइस यहाँ पे हम थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा देंगे एंड थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर देंगे। एंड गाइस उसके बाद हम जाएंगे थ्री पॉइंट्स वाले जो कलर वाला ऑप्शन है ऊपर, आपको इस मिक्स के बगल में जो दिख रहा है आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है?
एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से आपको जाना है पहले मिड टोन, मिड टोन में जाने के बाद गाइस आपको उसको ले जाना है ब्लू टोन में, ठीक है, मतलब कि स्काई ब्लू एंड डार्क ब्लू के बीच में जो कलर है उसमें ले जाना है आपको। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको, इसका थोड़ा सा गाइस जो ल्यूमिनस है जिसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे माइनस रखना है, एंड जो गाइस यहाँ पे जो ब्लेंडिंग है आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है, एंड गाइस उसके बाद यहाँ पे आपको बैलेंस है जिसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना करने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ से आप सबको जाना है यहाँ पे शेडो में, शेडो में जाने के बाद आपको शेडो के सामने जो पॉइंट दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है, एंड गाइस उसके बाद आपको ह्यू जो है आपको ले जाना है डार्क ब्लू और सॉरी ब्लू एंड ग्रीन के बीच में, फिर आपको गाइस थोड़ा सा इसको जो सैचुरेशन उसको बढ़ा देना है, एंड गाइस उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा गाइस यहाँ पे जो कि है मिड टोन का, आपको मिड टोन में जाके गाइस आपको कुछ इस टाइप से इसको जो है ब्लू कलर में ले जाना है, एंड इसका सैचुरेशन थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, एंड गाइस आपकी फोटो जो कुछ इस टाइप से हो जाएगी। फिर गाइस आपको यहाँ पे जाना है नीचे वाले टूल में, फिर गाइस यहाँ पे आपको थोड़ी सी क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है फोटो की, एंड गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको विग्नेट, आपको थोड़ा सा विग्नेट डाल देना है अपने अकॉर्डिंग, मतलब किसी को विग्नेट डालना होता है किसी को नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग डालना। फिर आपको यहाँ पे ग्रीन माउंट मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना, एंड जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो गाइस शार्पनेस मिलेगी आपको गाइस यहाँ पे कुछ उसको इतना बढ़ा देना है, एंड गाइस नीचे मिलेगा आपको नोड रिडक्शन आपको उसको बढ़ा देना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोड रिडक्शन आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हो जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार मैं आप सभी के लिए ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।